रोहित यादव कांग्रेस के प्रबल दावेदार थे, पर पार्टी ने रोहित यादव के साथ न्याय नहीं किया। रोहित यादव कांग्रेस के प्रबल दावेदार थे, पर पार्टी ने रोहित यादव के साथ न्याय नहीं किया और अपना प्रत्याशी जलेश्वर महतो को बनाया। अंततः रोहित यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। पार्टी ने रोहित यादव के साथ इंसाफ नहीं किया, पर बागमारा की जनता रोहित यादव के साथ इंसाफ अवश्य करेगी, ऐसी पूरी संभावना है। रोहित यादव अपने क्षेत्र में टाइगर के नाम से जाने जाते हैं और बागमारा की जनता अपने टाइगर को जिताना जानती है। आइए बात करते हैं रोहित यादव से। पर अगर हम बात करते हैं, एक और जो सांसद के भाई हैं, दूसरी ओर पूर्व मंत्री भी हैं, ऐसे में मुकाबला कितना टफ होने वाला है? कोई टफ नहीं, हमको कोई कठिनाई नहीं काम करने में। उनकी कमियों को 15 साल ये रहे, 10 साल और रहे, उसी सहारे हम चुनाव में जा रहे हैं। कौन कौन से कार्य हैं जो बगमारा में आप करेंगे अगर आपको जनता जिताती है तो? वो कुछ किए ही नहीं है, सारा करना ही है, सब करना, कुछ नहीं किए हैं। आप जाके सर्वे कर लीजिए, आप मीडिया से आते हैं जाके घूम लीजिए। प्रमुख समस्याएं आपके नजर में क्या क्या है? बेरोजगारी, पानी, बिजली, आधा गांव बिजली को कटवा दिया जाता है कि हमारा वोटर नहीं, उसका बिजली काट दो और हमारा इसका लाइन चालू रखो। बिजली किसी के बाबूजी का है क्या? वो सरकार की बिजली है। ये हालत बागमारा की है। तो अभी इनका कनेक्शन कटवा दिया जाता है, 4-4 कॉलोनी, 6-6 कॉलोनी का क्या मतलब है? क्या यही जनप्रतिनिधि का काम होता है? जनप्रतिनिधि का काम होना चाहिए, जिसको मिल गया है रहने दो, नहीं मिला है उसको। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।